सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, अगर आप भी इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं और जब आप इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं वहाँ पर आपको किसी भी जगह कोई ऐसा सेटिंग नहीं मिलता जिससे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करें, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, चाहे आपको परमानेंटली डिलीट करना हो या टेम्परेरी डिलीट करना हो, तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अकाउंट को टेम्परेरी या परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। सो गाइस, इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने के लिए एक आसान सा मेथड है जिसे आप फॉलो करके अपने अकाउंट को टेम्परेरी या परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो आप कैसे आपको अपने अकाउंट को डिलीट करना है, इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने अकाउंट को टेम्परेरी या परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। सो गाइज, यहां पर मैं आ चुका अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए हम इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं। तो ये वाला अकाउंट जो है मुझे डिलीट करना है, चाहे मैं परमानेंटली करूँ या टेम्परेरी करूँ, तो दोनों में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो अब आपको डिलीट कैसे करना है, इसके लिए आपको आना अपनी प्रोफाइल नीचे आपको दिख रही होगी, तो इस पर आपको क्लिक करें। उसके बाद आपको ऊपर थ्री लाइंस मिल जाएगा, तो यहाँ पर थ्री लाइंस पर क्लिक करके आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाता है। तो फर्स्टली आपको यूअर अकाउंट्स में मिल जाएगा अकाउंट सेंटर का एक ऑप्शन, तो अकाउंट सेंटर पर आ जाना है आपको। तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने मेटा वाला मिल जाएगा, जहाँ पर आपके सारे अकाउंट्स होंगे जो आपने लिंक किए होंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है जहाँ पर आप डिलीट का ऑप्शन देखें। तो लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट सेटिंग में, जो कि पर्सनल डिटेल्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स पर आपको क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो कॉन्टैक्ट इन्फो जो कि आपका ईमेल एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर होगा और डेट ऑफ बर्थ, और नीचे आपको लास्ट में मिल जाएगा अकाउंट्स ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो इसी पर आपको क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएक्टिवेशन और डिलीशन, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट्स आ जाएंगे जो भी आपके साथ आपके अकाउंट सेंटर में लिंक होंगे। तो आपको जो अकाउंट डिलीट करना है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला अकाउंट डिलीट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये दिखाएगा दो ऑप्शन, डीएक्टिवेट अकाउंट, ये दिखाएगा नीचे डीएक्टिवेट यूर अकाउंट इज टेम्पररी। तो अगर आप डीएक्टिवेट करेंगे तो ये टेम्पररी होगा, इसका मतलब कि आप किसी भी टाइम इसका जो पासवर्ड देकर इसको रिकवर कर सकते हैं, इसको वापस ला सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन है डिलीट अकाउंट, डिलीट अकाउंट मतलब कि आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो दोनों में से आप जो करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम परमानेंट वाला करते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो रीज़न है यहाँ पर देना पड़ेगा कि आपको क्यों डिलीट करना है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी रीज़न सिलेक्ट कर सकते हैं, तो समथिंग एल्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर लेना। कंटिन्यू करने के बाद आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड देना है और आपका जो अकाउंट है परमानेंटली यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। अभी ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, लेकिन अभी डीएक्टिवेशन में चलते हैं। तो हम डीएक्टिवेशन सेलेक्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से आपको पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर जब आप पासवर्ड देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपका जो अकाउंट है ये टेम्पररी डिलीट हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कभी किसी वक्त अपने अकाउंट को वापस लाना चाहें तो आप अपना पासवर्ड ईमेल देकर अपने अकाउंट को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। सो गाइज, इस टाइप से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्पररी या परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और गाइज, सब्सक्राइब मस्ट है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।